लोकसभा चुनाव को लेकर मध्य प्रदेश में सियासत गर्म हो गई है। भोपाल से लोकसभा प्रत्याशी अरुण श्रीवास्तव और पीसीसी चीफ के साथ में चंदा मांगने के लिए निकले हैं। उन्होंने अपील करते हुए कहा, एक रुपए से लेकर जितनी भी इच्छा हो उतना रुपए चंदा दें। एक नोट एक वोट के नारे के साथ कांग्रेस नेता व्यापारियों के पास पहुंचे और चंदा मांगा। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा, यह अराजकता की पराकाष्ठा है। आचार संहिता लगने के बाद सरकार ने कांग्रेस के खाते सील कर दिए हैं। कांग्रेस के मजबूत गढ़ छिंदवाड़ा में कमलनाथ को लगातार झटके लग रहे हैं। अमरवाड़ा विधायक कमलेश शाह के बाद अब छिंदवाड़ा मेयर विक्रम आहके ने बीजेपी ज्वाइन की है। भोपाल में सीएम हाउस पहुंचकर महापौर ने सीएम डॉक्टर मोहन यादव के समक्ष भाजपा की सदस्यता ली है। 1 अप्रैल यानी आज से प्रदेश में नई आबकारी नीति लागू हो जाएगी। इसके चलते अंग्रेजी शराब से लेकर बियर तक की दरों में 15% तक वृद्धि हो जाएगी, जिससे अब सूरत प्रेमियों को जेब अधिक ढीली करनी होगी। बताया जा रहा है कि नई नीति के तहत बियर, ब्रांडी, विस्की और रम की दरों में 150 से लेकर 200 तक बढ़ोतरी हो जाएगी। इधर राजधानी सहित प्रदेश भर में शराब दुकानों का नवीनीकरण हो गया है। 5% दुकानों को छोड़ दिया जाए तो 95% का नवीनीकरण रिजर्व प्राइस 15% पर हुआ है। मध्य प्रदेश में आज से टोल टैक्स, प्रॉपर्टी सहित अन्य चीजें महंगी हो गई हैं, जिसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ेगा। जहां प्रदेश की 102 टोल बेरिया में से 10 मार्गों पर टोल टैक्स में बढ़ोतरी की गई है, तो वहीं प्रॉपर्टी के रेट भी बढ़ चुके हैं। कुछ स्थानों पर इसकी कीमत 95% तक बढ़ी है। इसके साथ ही रजिस्ट्री भी महंगी हो गई है, लिहाजा रजिस्ट्री पर सरकार अधिक स्टाम्प ड्यूटी वसूलेगी। स्वास्थ्य राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल के बेटे अभिज्ञान पटेल ने शनिवार रात को भोपाल में रेस्टोरेंट संचालक दंपति से मारपीट और थाने में हंगामे के दौरान जो उत्पात मचाया था, वह मामला रविवार को भी छाया रहा। शनिवार देर रात मंत्री पुत्र पर गाली गलौज, मारपीट, जान से मारने की धमकी देने का केस दर्ज कर लिया गया था। बेटे की गुंडागर्दी पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने मंत्री को फटकार लगाई है। गुना शिवपुरी लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी यादवेंद्र सिंह की भाजपा ने चुनाव आयोग से शिकायत की है। 2 दिन पहले उनके द्वारा दिए गए भूरा वाले बयान पर शिकायत की गई है। भाजपा ने इसे पीएम नरेंद्र मोदी और भाजपा प्रत्याशी ज्योतिरादित्य सिंधिया पर अमर्यादित टिप्पणी बताते हुए शिकायत की है। भाजपा उपाध्यक्ष महेश रघुवंशी ने चुनाव आयोग में प्रत्याशी यादवेंद्र की शिकायत की है। भोपाल के कुल 14,761 कर्मचारी सोमवार से लोकसभा चुनाव की एबीसीडी सीखेंगे। शहर के 8 सेंटरों पर उन्हें ईवीएम, मॉक पोल, वोटिंग, मतदान सामग्री लेने से लेकर जमा कराने तक की ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग में उन्होंने क्या सीखा, इसका वे एग्जाम भी देंगे। परीक्षा में फेल होने वाले कर्मचारी को फिर से ट्रेनिंग दी जाएगी। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान भोपाल में 15 अप्रैल के बाद पीडियाट्रिक किडनी ट्रांसप्लांट की सुविधा शुरू हो जाएगी। इसके लिए बच्चों की स्क्रीनिंग चल रही है, डोनर की भी टेस्ट किए जा रहे हैं। रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर अप्रैल में बच्चे की किडनी का पहला ट्रांसप्लांट कर दिया जाएगा। आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ की FIR में बताया गया है कि स्वास्थ्य विभाग ने अनूपपुर जिले में 778 उपकरण खरीदने के लिए 7 करोड़ का बजट जारी किया था, लेकिन अफसरों ने 11,000 कीमत वाले इन उपकरणों को 17,000 रुपए में खरीदा है। इसी तरह कोविड जांच के लिए 68 रुपए की RF किट को 4,156 रुपए में खरीदा गया था। मामले में 5 सप्लायर्स को भी आरोपी बनाया गया है। EOW ने ADM और CMHO सहित 13 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है। सीएम मोहन यादव ने डिंडोरी में जनता से अपील करते हुए कहा कि बीजेपी के समर्थन में इतना वोट दें कि ईवीएम फट जाए। सीएम ने कहा, डिंडोरी से इतना प्रेम है कि जो भी मांगोगे सब दूंगा। चुनाव के बाद डिंडोरी में आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा। युवाओं को रोजगार के लिए डिंडोरी में भी कारखाने खोले जाएंगे। सबसे पहले कारखाना तहसील बजाग और करंजिया ब्लॉक में खुलेगा, जिससे लोगों को स्थानीय स्तर पर भी रोजगार मिल सकेगा।